तो प्रॉपर्टी हमारी है देवी रतन IHCL सिलेक्शंस, अ प्रॉपर्टी ऑफ ताज, जयपुर में काफी फेमस है ट्रेडिशनल। Hey everyone, welcome back to my channel Agastya Vlogs। आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी एक्साइटिंग, क्योंकि आज हमारा बेबी अगस्त्य हो गया पूरे 1 ईयर का। आज उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं जयपुर। और वहाँ पे हम कहाँ स्टे करेंगे, हमारा आज का स्टे काफ़ी लग्जरियस होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक देखना। और हम किस होटल में स्टे करेंगे सब दिखाएँगे आपको, पूरा दिन हम कैसे अगस्त्य का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सब दिखाएँगे, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हम रेडी हैं अभी निकलने के लिए, और ये देखो हमारा बेबी वॉकर में ही जा रहा है। तो अभी ले लिया हमने हमारा फर्स्ट ब्रेक ब्रेकफास्ट करने के लिए, होटल हाईवे किंग पे हमने ब्रेक लिया है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने लिया है एक तो ग्रिल सैंडविच लिया है, और साथ में आलू पराठा विद बटर लिया है। और हमारा बेबी यहाँ पे, आज यहाँ पे हमें बेबी चेयर मिल गई तो यहाँ बैठे आराम से अपना। चलो अभी ट्राई करते हैं। कंफर्म करेंगे हमारी बुकिंग का, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी अंदर। चलो चलते हैं अंदर। स्टे होगा ताज की प्रॉपर्टी में, वो भी हमारे बेबी के फर्स्ट बर्थडे में। तो अभी चलते हैं एंटर तो करते हैं। और यहाँ पे देखो वेलकम कुछ ऐसा किया जा रहा है, फुल राजस्थानी टच में हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। बाद यहाँ से एंट्री, तो अभी वेलकम के बाद यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं। और अंदर का एम्बियंस कुछ ऐसा है, और यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, कितना वाइब्रेंट कलरफुल है ना देखो ऊपर से, पूरा राजस्थानी फील आ रही है ना। अभी बस चेक इन फॉर्मेलिटीज करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर रूम में। तो अभी चेक इन फॉर्मेलिटीज वगैरह सब हो चुकी हैं, तो ये कार्ट हमें रूम तक छोड़ने जाएगी अभी, तो हमारा लगेज वगैरह सब डायरेक्टली रूम में ही आ जाएगा। तो जाके हम दिखाते हैं आपको हमारा रूम। ये अपना शॉप है सर, बॉम्बे शॉप के नाम से। ओके, सर लेफ्ट लेके आगे से फर्स्ट राइट में व्योम रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए सर इधर ही है। ओके, और सर यहाँ से स्ट्रेट जाके आगे से लेफ्ट में सेंटर पेविलियन के नाम से एक पॉइंट है, वहाँ पे आपका 5 से 6 का टाइम है जो फोक डांस का और हाइटी का सर, जो राजस्थानी डांस होता है। ओके सी सी ब्लॉक के लिए ये वाला भी है, उसमें अपना एडवांस एक्टिविटी एरिया जैसे पेंट वॉल, मल्टी रॉक, 4 चेयर, वन शूट एंड टेम्पल एंड आर्चरी, जिप लाइन, स्काई वाइज का। इधर अपने गुलाबी सर, 3 गुलाबी जो प्राइवेट पूल है उनके अंदर ही। ओके,
आपके जस्ट फ्रंट में सर अपना आपके वाईफाई के लिए आपका रूम नंबर तो अभी आपको दिखाती हूँ, मैं अपना सारा रूम टूर करवाती हूँ। चलो एंटर करते हैं रूम में। करते ही लेफ्ट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम दिखाऊंगी आपको लास्ट में, उसके बाद आगे चलते हैं। और स्टार्टिंग में यहाँ कुछ राजस्थानी लुक का डेकोर है। यहाँ पे कैटल वगैरह है, हमने अपना कुछ भी टी कॉफी वगैरह बनाना हो तो सब। और इसके यहाँ पे नीचे यहाँ पे है मिनी फ्रिज। यहाँ देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या, खुल ही नहीं रहा, खाली है। और इधर राइट साइड में आई थिंक हाँ कटलरी स्टैंड है। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह है, वाइन वगैरह पीनी है तो, बट हमारा वो है नहीं सिस्टम। नीचे थोड़ी स्टोरेज है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें मिल जाता है फुल मिरर, फुल लेंथ मिरर। आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, ऊपर से लेके नीचे तक है। और यहाँ पे वर्किंग डेस्क है, टीवी है, अगर हमें कुछ भी थोड़ा बहुत काम करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये है बेड। आज हमारे बेबी का फर्स्ट बर्थडे है तो हम बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए आए थे बेसिकली, तो यहाँ पे होटल वालों ने थोड़ा डेकोर करके दिया, हैप्पी बर्थडे लिखा है यहाँ पे। और साइड टेबल्स हैं यहाँ पे, और लैंप देखो कितने अच्छे हैं यहाँ पे। और आगे जाते यहाँ पे टेबल है, और साइड में यहाँ पे सिटिंग एरिया बना होता है। बेसिकली राजस्थान में ये चीज़ हमें मोस्टली मिल ही जाती है अच्छे प्रॉपर्टीज़ में, सिटिंग एरिया की। हमें यहाँ पे कुछ भी चिट चैट करनी है तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। को हमारे होटल रूम से व्यू कैसा है बाहर का, तो बेसिकली कि हम इसको ऊपर कर रहे हैं, ये देखो कितना प्यारा व्यू है। और जब सुबह यहाँ पे हम देखेंगे सनराइज और शाम को सनसेट, बहुत ही अच्छा लगेगा। अरावली हिल्स का प्रॉपर व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये लैंप देखो कितनी रॉयल लुक दे रहा है यहाँ पे। अभी मैं दिखाती हूँ हमारा वॉशरूम, जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट। एंटर करते हैं यहाँ पे राइट साइड में बहुत ही बड़ा सा बाथटब है, ड्रायर है, मिरर। यहाँ पे हमें दो बेसिन मिल जाते हैं बेसिकली, और एक लैंप इस साइड भी है, और ये पार्किंग एरिया। यहाँ पे भी काफ़ी स्टोरेज बनी हुई है कि हमें थोड़ा लगेज वगैरह यहीं रख सकते हैं हम अपना सूटकेस वगैरह। और यहाँ पे लॉकर भी है कि अगर हमें कार्ड्स वगैरह या कुछ कैश रखना है तो हम यहाँ पे हमारा पिन कोड सेट कर सकते हैं और हम रख सकते हैं। हैंगर्स हैं यहाँ पे, और ये ओके बास्केट है, और ये आई थिंक स्लीपर्स हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको हमारा रूम टूर अच्छा लगा होगा, हमारा रूम अच्छा लगा होगा। अभी हम डायरेक्टली फ्रेशन अप होके लंच के लिए जा रहे हैं। अभी आपको लंच बफे दिखाते हैं क्या है, तब तक आप हमारे रूम के सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए।
लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं लंच बफे के लिए और लंच बफे के लिए हमारी कार्ट आ चुकी है और भैया हमें लेके जाएंगे वहाँ पे। अवेलेबल है यहाँ पे, ऑथेंटिक राजस्थानी फूड अवेलेबल है या नॉर्थ इंडियन भी अवेलेबल है या चाइनीज है, जो भी हमें खाना है वो हम ले सकते हैं। ये यहाँ का मेन्यू है तो आप इस मेन्यू को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सब मेन्यू है, हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया हमारे स्टार्टर्स और मेन कोर्स। जैसे ही वो आते हैं हमारा मेन कोर्स स्टार्टर तो हम आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग में हमने सूप ऑर्डर किया है तो उसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको टेस्ट बताएंगे। सब प्राइसेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं और हम टेस्ट करके तो आपको सारा फूड बता ही देंगे कि कैसा है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में हमें बेबी के लिए अलग से बेबी की कटलरी मिली है कि अगर इसमें कुछ खाना है, ये लाइक ये एप्पल खाता है अपना, तो इसमें स्टार्टिंग में जब तक हमारा स्टार्टर आता है तो स्टार्टिंग में हमें सर्व किया गया पापड़ की हरी चटनी ताकि हम अपना मीन वाइल इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है स्वीट कॉर्न सूप। सूप ट्राई करते हैं पहले। अभी हमने स्टार्टर्स में ऑर्डर किया है चुकंदर की टिक्की और शेफ ने अपनी तरफ से हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री दी है पनीर टिक्का, अपनी तरफ से डिसाइड करके कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ की स्पेशलिटी है। और साथ में हनी चिली पोटैटोज है और फ्राइज तो हमने एगी के लिए ली है कि ये थोड़ा खा सके कुछ। तो अभी हमारा मेन कोर्स आ चुका है और हमने स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली हमें थोड़ी भूख ज़्यादा लगी थी तो हमने मेन कोर्स में ऑर्डर किया राजस्थानी कढ़ी एंड दिस इज़ पनीर बटर मसाला और विद पनीर टिक्का एंड वन लच्छा पराठा एंड दिस इज कुलचा विद ग्रीन सैलड। और साथ में हमें शेफ ने दी है कॉम्प्लीमेंट्री लेमनेड आफ्टर मेन कोर्स। और आई थिंक डिज़र्ट तक जाने की तो अभी मन नहीं कर रहा, पेट तो भर गया फुल, बाकी देखते हैं अगर खाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। बहुत ही अच्छा खाना था, काफ़ी अच्छा लगा खा के, इतना ज़्यादा पेट भर गया था, मैं डिज़र्ट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। इवनिंग में हम आपको पूरी प्रॉपर्टी का व्यू दिखाएंगे, सारा हम आपको टूर करवाएंगे, अच्छे से सब दिखाएंगे कि यहाँ पे राजस्थानी कल्चर्स का जो शाम को फोक डांस वगैरह होगा वो सब देखने चलेंगे हाई टी के टाइम। Charge.
हेलो हेलो हेलो।